हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SQL के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम टेबल क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेम चीज, लेकिन हम डेटाबेस और टेबल हम क्यूरी के जरिए कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया था कि किसी इंटरफेस के जरिए हमने राइट क्लिक करके बताया था कि आप कैसे न्यू डेटाबेस या न्यू टेबल करते हैं। तो चलिए न्यू क्यूरी पे जाते हैं, और न्यू क्यूरी पे जाने के बाद सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मान लीजिए मैंने डाल दिया क्यू, यहाँ पे क्यू डेटा, और कुछ नहीं करना है, बस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दीजिए। यहां देखिए सक्सेसफुली हो गया। अब यहां पे दिख तो नहीं रहा है, दिखेगा जब एक बार आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद यहां पे देखिए क्यू डेटा आ गया। अब क्यू डेटा हमने क्रिएट कर लिया। अब क्यू डेटा के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने का कोड होता है क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। लेकिन प्रॉब्लम है, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया RD और ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, हमें इसके अंदर ये देने हैं कि कौन कौन से फील्ड हैं। तो फील्ड का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दिया, इंटीजर होगा, कॉमा, यहाँ पे हमने डाल दिया नेम क्या होगा, हम यहाँ पे वैर CHAR कैर, और इसके अंदर 50 करेक्टर का लिमिट दे देते हैं, कॉमा, फिर देते हैं यहाँ पे सिटी, फिर वापस वैर कैर, और यहाँ पे मान लीजिए 50 का इसको भी दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं अमाउंट, और इसको इंट कर देते हैं, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा बन गया। अच्छा, कैर होना चाहिए, कैट हो गया कैर। अच्छा, यहाँ हमने कॉमा छोड़ दिया था, तो रेड लाइन जो आता था एरर आता है, तो कोई रेड लाइन नहीं, मतलब कि सही है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद यहाँ कंप्लीट तो दिखा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहाँ गया, क्या इसके अंदर आया हुआ है टेबल में, देखिए नहीं है। तो ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद वापस टेबल में जाते हैं, नहीं कोई टेबल नहीं है। तो टेबल मतलब क्रिएट हुआ लेकिन गया, क्योंकि हमने कोई डेटाबेस असाइन नहीं किया हुआ है, इसलिए वो चला गया आउटसाइडर में। तो यहाँ हमें डेटाबेस बताना पड़ेगा, कौन जो RD है, कौन से डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट होगा। तो ये इसका लिखने का तरीका क्या है, बड़ी ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिखते हैं क्यू डेटा, क्लोज करते हैं, और इसमें बोलते हैं DBO और .RD। अब देखिए RD को भी हमें बड़ी ब्रैकेट के अंदर डालना होगा, हालांकि बड़ी ब्रैकेट डालना जरूरी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन एक पैटर्न है तो हम लोग डाल देते हैं। अब देखिए सक्सेसफुली है। अब यहाँ पे क्यू डेटा को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब इसके टेबल में जाइए, यहाँ देखिए RD नाम से टेबल जनरेट हो चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करके अगर मैं एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे अपनी डेटा एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि डेटा एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे जो टेबल बनाना है वो हमारे एक बिजली में मूव करना चाहता हूँ अपना टेबल। अब मेरे पास एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे IPT के अंदर डेटा टेबल। अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटा टेबल हमारे क्यू डेटाबेस में आ जाए, क्योंकि यहाँ मुझे ज़रूरत है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पर है। तो
तो मुझे क्यू डेटाबेस में लाना है। तो उसके लिए भी हम क्रिएट टेबल ही करेंगे, क्रिएट टेबल ही करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम कुछ और लिखेंगे। तो इसमें हम सेलेक्ट कमांड लगाते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार इनटू, अब मुझे यहां पे टेबल इसका अपना ये जो क्यू डेटा का रेफरेंस है वो देना है, तो क्यू डेटा, अच्छा इसमें नहीं आता है, इसमें लिखना पड़ेगा मैनुअल, क्यू डेटा डॉट डी बी ओ डॉट, और इसके अंदर हमने लिख दिया मान लीजिए एक नया टेबल बनाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एन डेटा, न्यू डेटा बेस के लिए हमें एन डेटा, तो नया टेबल का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम, कहाँ से लेके आना है, तो लेके आना है हमको यहाँ आई पी टी से, तो आई पी टी हमने इसको सेलेक्ट किया डॉट डी बी ओ डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट, क्या टेबल है हमारा ये टेबल बस। अब इसको हम मुझे रन कर देना है, 79 डॉलर अफोर्ड हो गया, यहाँ के अंदर एक नया टेबल इसके अंदर बन गया और 79 जो रोज है वो इसके अंदर आ गया। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ देख सकते हैं टेबल न्यू डेटा आ गया। अब इसको यहीं पे मैं कमांड लिख देता हूँ, अच्छा एक बार काम करता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं इसको हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एन डेटा, रन कीजिए, ये एरर आया क्योंकि एन डेटा को रीड ही नहीं कर रहा है, तो मुझे यहां पे देना होगा कि क्यू डेटा के अंदर कौन सा डीबीओ। देखिए ये चीज कब होता है, जब आपके पास कई सारे डेटाबेसेस होता है, एक डेटाबेस है तब आपको जरूरी नहीं है ये सब देना। आ गया ना नंबर सारे, इस तरह से डेटा हम लेके आ सकते हैं। तो अगले वीडियोज में हम इससे आगे की चीजों पर पढ़ेंगे और बात करेंगे किस तरह से हमने डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, टेबल क्रिएट करना सीख लिया, अब इससे आगे की चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।